हे एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। और गाइज, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे CUET से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस पे, क्योंकि पिछले गाइज जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था, JNU ने जो CUET अप्रूव किया था उस समय, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले और उन्हीं के आपको इसमें जवाब भी मिलेंगे। और बहुत सारे जो मिथ्स चल रहे हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा, और कैसे आपको इन चीज़ों के लिए तैयार होना है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ CUET की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करने जा रही हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो था PhD के स्टूडेंट्स का। PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूछना था कि क्या यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा उसे फॉलो किया जाएगा, या फिर जो JRF वाला प्रॉपर था उसे फॉलो किया जाएगा, क्या नया चेंज आएगा। तो आप अगर जो CUET का नया जो JNU की तरफ से डिक्लेयर किया गया, मैं उसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा एग्जाम ऑफिशियल में, वहां देखिएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो CUET है उसमें PhD का जो सिलेक्शन का मापदंड निर्धारित किया गया वो किया गया माय डियर नेट के मार्क्स के बेस पे। आपका जो नेट होगा, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, नेट के मार्क्स के बेस पे आपको PhD में जो एडमिशन प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो PhD वालों के लिए यहाँ पे जो नया चेंज होगा वो डायरेक्ट नेट वाला होगा, JRF का भी ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी चीज, अब मैं चर्चा करता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर मास्टर्स में जो एडमिशन प्रोसेस होगा, क्या वहाँ पे जो पुराने यूनिवर्सिटीज की रूल थे उनमें क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे मैं JNU की बात करूँ या DU की बात करूँ, अभी BHU भी अपना डिक्लेयर करेगा ऑफकोर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन कोई भी यूनिवर्सिटी, मतलब हम कहें जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे BHU है, JNU है, वो कोई भी मना नहीं करता मोस्टली। तो CUET के लिए BHU भी बहुत जल्दी अपना जो भी फैसला होगा वो डिसाइड करके आप लोगों के सामने ले आएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, आप मास्टर्स के जो रूल होते हैं, खासकर जो एडमिशन पॉलिसी होता है, जिनका पॉलिसी होता है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है और उनके खुद के रूल होते हैं। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि उनके अपने रूल्स होते हैं, अपना उनका एडमिशन पॉलिसी होता है, उनके अपने एकेडमिक रूल्स होते हैं, उनका अपना ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उनका अपना सिलेबस होता है, ठीक है। यही रीजन है कि जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस थे, फॉर एग्जांपल बात करूं मैं JNU का, एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लेके आता हूं, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, उनको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल थे कि CUET आएगा तो क्या क्वार्टाइल मार्क्स रहेगा या नहीं रहेगा। क्वार्टाइल मार्क्स JNU का खुद का अपना डिसीजन होता है, उसमें ना तो NTA का कोई रोल होता है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होता है। ये क्वार्टाइल मार्क्स JNU के अपने रूल्स का पार्ट है, ये ऑफकोर्स कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि JNU ने अपने इन जो रूल्स हैं इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे केवल पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ना कि JNU का एडमिशन पॉलिसी चेंज हो रही है, ध्यान रखिए इस चीज को। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा था कमेंट सेक्शंस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड हिंदी का नहीं है और आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी तक क्या होता था कि अगर आप DU में अप्लाई करना चाहते हैं तो DU में क्या होता था कि आपका जो बैचलर है वो उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप मास्टर्स के लिए उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन JNU में ऐसा नहीं था, JNU आप सोशियोलॉजी में आइए, आपके पास हिंदी था, कोई रोकने वाला नहीं आपको, आप हिंदी में आना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे ये रूल भी JNU की खुद की एडमिशन पॉलिसी है, ये भी चेंज नहीं होगा। आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, आप हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, लेकिन आपका बैकग्राउंड साइंस का है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स हिंदी में करें JNU में आके, आपका एडमिशन पॉलिसी में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्वार्टाइल मार्क्स, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, और ना ही आपका जो एडमिशन पॉलिसी जो सब्जेक्ट वाला था उसमें कोई बदलाव आया है। तो इन चीज़ों के लेके आप अवेयर रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि एडमिशन पॉलिसी में क्या बदलाव आए, यहाँ केवल पेपर का पैटर्न बदल रहा है, बाकी कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, आप लोगों के मन में एक और सवाल चल रहा है, सवाल है जब हमने चर्चा की थी कि बैचलर को लेके, जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक सवाल था कि क्या जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें लैंग्वेज को क्या अलग से पार्ट बनाया जाएगा, क्या बैचलर के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का सेपरेटली एक एग्जाम देना पड़ेगा या फिर एक कॉमन एग्जाम। एक चीज ध्यान रखिए, जब कॉमन एग्जाम होता है तो कॉमन एग्जाम में एक चीज जो सबसे बड़ी बदलती है वो ये होती है कि यहाँ पे पेपर को एक नाम दे दिया जाता है BA फॉर आर्ट्स, ठीक है, BA फॉर आर्ट्स। अब BA फॉर आर्ट्स का मतलब क्या हो गया, आप
जो भी आर्ट्स के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ही एग्जाम देना होगा, ठीक है, आपको एक सिंगल एग्जाम देना होगा। सिंगल एग्जाम से आपका क्या हो रहा है, सबका सिलेक्शन हो रहा है आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे साइंस वालों के लिए अलग रहता है, आप बीएससी करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, ये साइंस का फील्ड हो गया। अब साइंस वाले के अंदर पार्टिकुलर साइंस का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप आर्ट्स नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपका मैटर करेगा कि आपका जो 11th और 12th का जो आपने स्टडी किया है वो कितना आपका स्ट्रांग है, वहां से आपको हेल्प मिलेगा। तो मतलब सवाल सीधा सा ये है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, खासकर आप चाहते हैं कि आप बीएससी में एडमिशन लें या फिर यहाँ पे बीए फॉर आर्ट्स में जाएं। हाँ, एक चीज और रहेगा, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे खासकर लॉ के स्टूडेंट्स के, वो कह रहे थे कि सर अगर हम बीए एलएलबी करेंगे तो क्या बदलाव आएगा। तो बीए एलएलबी का पहले भी सेपरेट होता था, यहाँ पे एलएलबी लॉ जो है वो अगर हम कहें कि एक पेपर मान लीजिए कॉमन भी लेता है, एनटी आपका एक पेपर कॉमन ले लेता है, लेकिन एलएलबी में अगर आप जाते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका जो लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका एक पार्ट सेपरेट वहाँ पे रहेगा और वो मैंडेटरी भी है, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं आप। दूसरी चीज मैं बात करूँ आपसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बीए के स्टूडेंट्स हैं खासकर, उनके मन में एक क्वेश्चन था कि सर अगर हम खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमें बुक सजेस्ट कर दीजिए ताकि हम चीज़ों को आसानी से कवर कर पाएं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। खासकर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे रीजनिंग की। रीजनिंग में मैथमेटिकल पार्ट आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि केवल रीजनिंग के लिए क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने देखा, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर हमें रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करा दीजिए, मास्टर्स के थे या बैचलर के थे। भाई, आपके पास अगर YouTube पे जाएं, चाहे वाईफाई स्टडी को देख लीजिए जो कि बड़े एजुकेशन चैनल हैं, वहाँ जाके देख लीजिए, आपको फ्री में पूरा रीजनिंग सीखने को मिल जाता है। मैं नहीं कहूँगा रीजनिंग के लिए कहीं क्लास अटेंड करने की आपको ज़रूरत है, आपको फ्री में पूरा रीजनिंग सीखने को मिल जाता है, आप उनको फॉलो कर लीजिए। एसएससी लेवल का जो रीजनिंग होता है, एसएससी लेवल का जो मैथ्स होता है, वो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो एसएससी का प्रिपरेशन कराते हैं और बहुत बड़े लेवल पे वो कराते हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट वहाँ फॉलो करते हैं, वो आपको प्रॉपर जो रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे उनके पास एक्सपर्ट हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, आपको चीज़ें आसान बनानी है इसलिए मैं आपको ये सजेशंस दे रहा हूँ। आपको मैं ये भी कह सकता था क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ये वो नहीं। आप रीजनिंग अगर सीखना चाहते हैं, मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स में अगर सेपरेट पेपर जो है 25 क्वेश्चंस वाला रीजनिंग रहेगा, उसमें आपने रीजनिंग नहीं किया, आपने मैथमेटिक्स नहीं किया, कोई बात नहीं, आपके पास फ्री चैनल्स में सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ वाईफाई वगैरह जो है, वहाँ आपको रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स मिल जाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उनकी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें अटेंड कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जीके का। आप जीके कवर करना चाहते हैं, बहुत आसान है जीके अगर आप खुद से तैयारी करें, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप जीके की तैयारी करना, तो मैं आपको लूसेंट की राय ना देके अरिहंत की राय दूंगा। अरिहंत क्या करता है कि अरिहंत की जितनी भी आप बुक्स खरीदेंगे, आप पॉलिटिकल साइंस की बुक खरीदिए, उसका एक कॉमन जीके का जो बुक आता है वो जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि अरिहंत की बुक्स में बहुत सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट दिया होता है। आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा का पूरा एक लेंथी चीजें दी जाती है, जैसे लूसेंट में होता है। लूसेंट के अंदर क्या होता है कि आप साइंस पढ़ने बैठ जाइए, आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा का पूरा बॉटनी जूलॉजी सब करवा दिया जाता है उसमें। तो आप कोशिश करें कि अरिहंत की बुक्स को प्रिफर करें ताकि चीजों को आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ पाए, आप ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम जो होता है, अगर एग्ज़ाम के आप पुराने पैटर्न्स उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है। पॉलिटी से बात करूं, अगर मैं पॉलिटी के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ ये आवश्यकता नहीं है कि आप यूपीएससी की तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठ जाएं कि भैया हमें तो संविधान पूरा समझा दीजिए उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो पढ़नी होती है माय डियर पॉइंट टू पॉइंट। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पूछेगा, आर्टिकल्स का भी एक प्रॉपर मतलब को लिस्ट मिल जाता है आपको, तो सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने होते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो कंट्रोवर्शियल रहे होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या फिर कोई नई चीज़ ऐड की जाती है वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ऐसी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे अगर,
तो अरिहंत की बुक्स में बहुत अच्छे से मिल जाती है। जिन लोगों ने एनडीए की प्रिपरेशन की होगी उनको पता होगा कि अरिहंत की जो पाथ फाइंडर आता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एनडीए वाला बुक खरीद लीजिए, लेकिन जिन्होंने एनडीए का प्रिपरेशन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि उसके अंदर जीके को कितना बहुत ही सिस्टमेटिक वे से दिया जाता है। हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है वहां पे, पॉलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, एंशिएंट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है वो भी उसमें दिया जाता है, जो फ्रीडम फाइटिंग की बात आती है, जो स्वतंत्रता संबंधी लड़ाइयां हुई थी उनसे रिलेटेड पार्ट भी वहां बहुत अच्छे से दिए होते हैं, तो आप उन बुक्स को प्रिफर कर सकते हो। एक आता है यहां पे, अगर मैं बात करूं जीएस जनरल साइंस, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस के लिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप बेसिक, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं माय डियर उसके अंदर जो जनरल साइंस आता है उसका मैक्सिमम लेवल होता है 10th, इससे ऊपर का जनरल साइंस कभी नहीं आता है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, आप एसएससी देख लीजिए, कहीं उठा के चले जाइए, आपको जनरल साइंस का जो पेपर होता है कॉमन एग्जाम्स के लिए वहां पे लेवल होता है उसका मैक्सिमम 10th, इससे ऊपर का लेवल नहीं होता है वहां पे। अब आप अगर ये सोचें कि हम तो भाई जो जनरल साइंस है उसके लिए हमें तो केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें अलग से फिजिक्स पढ़ना है, हमें अलग से बॉटनी पढ़ना होगा, अरे भैया जरूरत नहीं है यार इसकी, इतना घबराना नहीं है। एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आया है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी किताबें बदल जाएंगी और जो कहेंगे मटेरियल था वो बदल जाएगा, इतना चेंज नहीं आना है, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे एग्जाम वर्ड के ऊपर जो क्लासेस चलती हैं, एग्जाम वर्ड लाइव क्लासेस जो प्रोवाइड कराता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो जीके वगैरह की जब हम बात करते हैं तो जीके को मैंने बताया था कि लास्ट टाइम हमने इस साल हमने शुरू से हम लेके चले कि पॉलिटी अलग करवा देते हैं, हम हिस्ट्री अलग करवा देते हैं, तो वहाँ पे मैं अपना एक वो बता रहा हूँ, आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ जो कि मैंने अपनी क्लासेस में अप्लाई किया, और वो फॉर्मूला आप लोग अपनी स्टडीज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो सेल्फ स्टडी करके क्लासेस करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ एक बहुत सिंपल सा वे बताता हूँ आपको। तीन चीज़ों को उठाइए, आप हिस्ट्री को उठा लीजिए, आप पॉलिटी उठा लीजिए, पॉलिटी के साथ साथ आप यहाँ पे जनरल साइंस उठा लीजिए, और चौथा जो है वो इंग्लिश उठा लीजिए, और एक इधर मैं रीजनिंग में मैथ्स वाला पार्ट उठा देता हूँ, ठीक है भाई साहब। ये आपके सामने पांच चीज़ें हैं, इन पांच चीज़ों में से मास्टर्स के लिए कॉमन क्या क्या है, मैथ्स कॉमन है, आपका इंग्लिश कॉमन है, जो कि पॉलिटी वगैरह में क्वेश्चंस एक 25% जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से आएंगे, बैचलर में सारी चीज़ें कॉमन है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपको मैथ्स करना है, मैंने आपको बता दिया वाईफाई स्टडीज़ वगैरह की हेल्प लीजिए बहुत अच्छे से, हम लोग भी यहाँ पे अभी कुछ फ्री क्लासेस लेके आएंगे यूट्यूब पे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, हमारी तरफ से जितना हो पाएगा उतना आपके लिए करेंगे। मैथ्स वाला पार्ट आप वहाँ से कर लीजिए, हिस्ट्री वाला पार्ट आता है भाई साहब अरिहंत उठा लीजिए, अरिहंत का बुक उठा लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ऑल दो हम लोग फ्री वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिनको क्लासेस लेनी हो क्लासेस भी ले सकते हैं, देखो जिनको ये है कि हमें एक ही जगह सब कुछ मिल जाए वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, देयर आर नो प्रॉब्लम, लेकिन आप खुद से तैयारी करें, अरिहंत उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारी हेल्प चाहिए फ्री वेबिनार्स में आइए, अटेंड करिए, क्वेश्चंस पूछिए, हमारी वहाँ पूरी टीम रहती है, मैं भी रहता हूँ ऑल दो वहाँ पे हेल्प करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ पॉलिटी उठाइए, अरिहंत इज़ द बेस्ट फॉर पॉलिटी, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, नेक्स्ट संडे को वेबिनार होगा वहां आ जाइए, बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, वीडियो में भी बताऊंगा। जनरल साइंस में आपने बेसिक साइंस उठा लिया, जिसके अंदर आपने बायो के कुछ पार्ट्स उठा लिए, केमिस्ट्री का कुछ पार्ट उठा लिया, कुछ पार्ट फिजिक्स का उठा लिया, हा? अरे भैया वही है डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पूछेगा, थोड़ा सा जो बीएचयू है उसके अंदर थोड़ा सा अप लेवल आता था तो हो सकता है थोड़ा टफ साइंस भी डाल दे, तो हमें दोनों चीजों के लिए तैयार होना है, ठीक है। एक आता है इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इसका केवल एक मैं बोलूंगा आपको, प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, इंग्लिश ग्रामर इजी हो जाएगी आपके लिए, कुछ भी टफ नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम देर आर नो प्रॉब्लम, आप ये मत सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हमारी क्लासेस में आते हैं, जब हमारी टीम के कुछ मेंबर्स पढ़ाते हैं, तो एक दिन हुआ क्या कि एक टीचर हमारी क्लास ले रही थी, तो कुछ स्टूडेंट से मुझे बोला कि सर हम हिंदी मीडियम से आते हैं और हमें जो मैम पढ़ा रही हैं वो इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, शायद इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, सबसे पहला अगर काम करिए आप लोग, वो काम करिए कंसेप्ट क्लियर करने पे। ये जो राम कहानी है ना कि राम ने आम खाया, ये बचपन से पढ़ रहे हो, छोड़ो इसको, आगे निकलो इससे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, मार्केट के अंदर कोई भी बुक उठा लीजिए आप, एसपी, आप बक्सी की बात छोड़िए, बक्सी का बुक जो आता है वो काफी हाई लेवल का आता है अरिहंत का, उसे छोड़िए, आप सबसे बेसिक बुक उठाइए जिसके अंदर बेसिक से लेके आपका प्रीपोजिशन से लेके ग्रामेटिकल चीजों को दिया गया है, वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। एंड लिटरली बता रहा हूं आपको, 6 महीने हैं आपके पास एग्जाम में, आपको गारंटी से कह सकता हूँ जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, जुलाई से पहले एग्जाम करवा ही नहीं सकती गवर्नमेंट,
क्योंकि एकेडमिक सेशन ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, इसलिए जुलाई से पहले एग्जाम होने के कोई चांस नहीं, 0% चांस है, मैं कहूँ माइनस में चांस है इसके तो। खैर, आपको यहाँ 6 महीने लगभग मिल रहे हैं, और इस 6 महीने में अगर आप तैयारी कर सकते हो ना डियर, तो इतनी बेहतर तैयारी कर सकते हो कि आपको खुद एक्सपेक्ट नहीं होगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर हो चुकी है। ठीक है, ये बीए के लिए हो या एमए के लिए हो, आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब नेट के ऊपर ध्यान दे लीजिए, आपका मास्टर्स हो चुका है, नेट जरा वैसे भी तैयारी कर ही गए होंगे, निकाल लीजिए। देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो वैसे भी जेआरएफ वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ निकलने के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। खैर, ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटीज के अपने रूल्स होते हैं, उनको वो चेंज नहीं करती हैं, बिकॉज दे आर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में वो एक मैं बता दूं, टीचर्स का हायरिंग खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो लोग, वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन पॉलिसी बना सकते हैं। तो एडमिशन पॉलिसी की मैंने बात की कि एडमिशन पॉलिसी चेंज नहीं होती कभी किसी यूनिवर्सिटी की। आप जेएनयू का एग्जाम दीजिए, आप मान लीजिए गया सिटी से हैं, ठीक है, आप गया से हैं और आपके मार्क्स आते हैं 70, गया आता है क्वार्टाइल 1 में, ठीक है, आपके 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं रिटर्न में, ठीक है, और इफ यू आर अ फीमेल एंड ओबीसी कैटेगरी दोनों मिलाएं, क्वार्टाइल 1 का जिला है गया, आपको 12 नंबर मिलेंगे, आपका टोटल स्कोर जो आएगा जब जेएनयू में काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, माय डियर आपको स्कोर मिलेगा यहाँ पे 82। सो इस चीज को दिमाग में रखिए, एडमिशन पॉलिसी है, एडमिशन पॉलिसी जब फॉलो करती है गवर्नमेंट, जो यूनिवर्सिटी करती है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करती है, तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, एक पॉइंट और रह गया भाई, करंट अफेयर तो भूल ही गए, सीए करंट अफेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये करंट के इश्यूज होते हैं, आपको आर्टिकल याद रहेगा, आपने पढ़ा था, लेकिन करंट अफेयर अगर नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है, तो इस ब्लंडर मिस्टेक से बचने के लिए करंट अफेयर को फॉलो करिए। हम लोग करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं सभी के लिए, एग्जाम वट ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां जाइए ज्वाइन करिए, और फ्री वेबिनार्स भी ज्वाइन करिए, जिनको क्लासेस ज्वाइन करनी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिए गए हैं, तो वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और द मास्टर्स फॉर पीआईएसएम एज वेल जो भी हैं डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। खैर, मैं क्लासेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन है माय डियर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और कोई भी हेल्प चाहिए वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, एंड सीयूसीईटी से घबराना तो बिल्कुल नहीं है, यू हैव 6 मंथ फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मुझे लगता है कि 6 महीने में आप दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अगर यूपीएससी के अंदर लोग आते हैं एक साल में टॉप कर जाते हैं तो ये तो सीयूईटी है भाई, घबराना क्यों है। सो अपने सब्जेक्ट्स देखिए, किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम लोग फ्री वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। आप मास्टर्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश के लिए मास्टर फॉर इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सोशोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करें हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं फ्री वेबिनार्स। आप अगर उन ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं देन प्लीज टेक्स्ट अस, नंबर हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए हैं, एग्जाम वट ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी आ चुके हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिव नहीं रहते हैं अभी तक इंस्टाग्राम पे, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए एग्जाम वट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो, and thank you very much, see you in next video।